अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया और मैं हूं आमिर हबीब। नाजरीन, आपको एक बहुत ही दिलचस्प खबर देते हैं चाइना से। अब फर्श और दीवार को टच स्क्रीन में बदलना बहुत आसान है। अगर आप ये समझते हैं कि टच स्क्रीन सिर्फ टैबलेट और स्मार्टफोन तक ही महदूद है तो इस ख्याल को आपको बदलना होगा, क्योंकि चीनी कंपनी ने एक ऐसा आला तैयार किया है जो किसी भी हमवार सतह को टच स्क्रीन में तब्दील कर सकता है। इस आले को पप्पी क्यूब का नाम दिया गया है, जो दीवार या फर्श पर जाहिर करने वाली किसी भी तस्वीर के 10 मुख्तलिफ पॉइंट्स को टच स्क्रीन में तब्दील कर देता है। तकरीबन 1.5 किलोग्राम वजनी पप्पी क्यूब प्रोजेक्टर लेजर के जरिए किसी भी सतह पर तस्वीर दिखाता है। इस पर फर्श को छूकर बच्चे अपनी पसंदीदा एप्स भी चला सकते हैं। आप नाज़रीन ये वीडियो में देख सकते हैं कि इसके अलावा असातिज़ा पढ़ाते वक्त ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड को भी टच स्क्रीन बना सकते हैं। इस हैरत अंगेज प्रोजेक्टर में एम स्टार क्वाड कोर प्रोसेसर है जो बेहतरीन अंदाज में वीडियो डिकोडिंग करता है। इसमें 4GB रैम और 32GB स्टोरेज है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी 0.3 इंच DLP लेजर डिस्प्ले है जो इंतहाई शफाफ लेंस से तस्वीर नशर करता है। पप्पी क्यूब हमवार सतह पर फुल HD 2K और 4K वीडियो दिखाता है। मुनासिब रोशनी और कंट्रास्ट की वजह से ये 100% NTSC रंगों को जाहिर करता है। इस पर स्क्रीन को 100 इंच तक बढ़ाकर लंबा किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फोकस और रंगों के अलावा रोशनी में कमी बेशी के ऑप्शन भी मौजूद हैं। पप्पी क्यूब में नसब 5000 mAh बैटरी एक मरतबा चार्ज होने पर 150 मिनट के लिए काबिल अमल होती है। इसके साथ 2 अदद स्पीकर भी हैं, ताहम इसकी कीमत $1500 रखी गई है। पब्लिक टीवी मीडिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आमिर हबीब। मजीद वीडियोस, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक टीवी मीडिया .com।